अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 68। टुडे वी स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हमें फ्रैक्शन दी हुई थी, हमने उसको रेशियो में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेशियो दी हुई है और हमने इसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 2:3। आपको याद होगा ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे, ये हमारा रेशियो का सिंबल है। तो 2:3 हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। 2/3 जो पहले डिजिट दी हुई है हम उसे न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और जो सेकंड डिजिट है जो कि रेशियो के बाद है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और डिनोमिनेटर आपको पता है नीचे होता है, जो ऊपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 7:4। तो 7 हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे और 4 हम नीचे डिनोमिनेटर के पोर्शन में लिखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 19:20। तो 19 ऊपर लिखेंगे और 20 नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 99:100। 99/100, 99 हमने ऊपर लिखा और 100 हमने नीचे लिखा। अब क्वेश्चन VI देखें, इसमें है 4:1:5.2। तो आपने 4.1, ये एक कंप्लीट वैल्यू है, आपने इसको पूरा ऊपर लिखना है। 4.1 रेशियो का सिंबल आ गया आगे, नेक्स्ट तो हम लाइन लगाएंगे और 5.2 नीचे लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a:b। a आपने ऊपर लिख दिया और b आपने फ्रैक्शन के नीचे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x:y। x आपने ऊपर लिख दिया और y आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, यानी कि फ्रैक्शन के नीचे वाले पोर्शन में। इसी तरह आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको नीट कॉपी पर राइट करें और अपने पेरेंट्स को चेक करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।